जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े। हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करें, कैसे करें, कब करें, क्या करें, कौन कर सकता है, और ये सभी क्वेरी, सभी सारे प्रश्न मुझसे हमेशा कमेंट्स में मैं देखता हूँ। तो कमेंट्स में आप जय श्री महाकाल लिखें या जय श्री राम लिखें, जो भी ईश्वर का आप नाम चाहते हैं वो जरूर कमेंट्स में लिखें। अब बात करना चाहते हैं कि कितनी बार करें, क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा पाठ पढ़ेंगे तो उसमें एक चौपाई, एक दुआ है, 100 बार पाठ कर कोई छोटे बंदी महासुख होई। तो कोशिश ये करें कि आप 100 बार पाठ करके देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे कुछ फ़ायदा होगा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि फ़ायदा नहीं होगा, केवल आप पाठ करें। क्योंकि जब पाठ आप करेंगे तो खुद एनालिसिस करेंगे, खुद महसूस करेंगे जो आनंद और उत्साह, शायद उसके लिए कोई शब्द नहीं होंगे। कौन कर सकता है? जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी, सभी पाठ कर सकते हैं। ईश्वर किसी के लिए भेदभाव नहीं करता, भेदभाव केवल मानव करते हैं। ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता है, उसके लिए सभी चीज़ें, सभी व्यक्ति समान हैं। आप गलत फहमी में, जैसे कोई भी व्यक्ति चाहता है वो कर सकता है। अगर 100 बार नहीं कर पाए तो 50 बार आप करके देखें, 50 बार यदि आप नहीं कर पाए तो 11 बार तो कर ही सकते हैं, और 11 बार भी नहीं कर पाए तो 9 बार आप करें, कोशिश करें। और अगर आप अपने दिनचर्या में रोज़ सुबह उठकर या शाम को 24 घंटे में एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें बात यह रही कि आप उसमें दोहा जो है, जो भी आप करें, दोहा का उच्चारण करें, वो स्पष्ट और सही होना चाहिए। उसका जो भी लिखा है वही होना चाहिए। कई बार हम बहुत स्पीड से पढ़ने के चक्कर में मीनिंग क्या है, शब्द क्या लिखा है और क्या हम पढ़ देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि स्नान कर, नहा धोकर, बिल्कुल स्वच्छ मन के साथ, मन का भी स्नान होना जरूरी है, मन में कोई विचार ना हो, बिल्कुल ईश्वर और हम, ये विचार के साथ आप इसका अध्ययन करें। बैठते वक्त जब भी हनुमान चालीसा का पाठ आप कर ले, उससे पहले श्री राम का 108 बार नाम ले लें, जय श्री राम जय राम जय जय राम, पाठ करने के बाद भी ले लें। क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको राम की उपासना करना होगी, और जहाँ राम की उपासना करेंगे तो हनुमान जी ऑटोमेटिकली आपसे प्रसन्न रहेंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। तो कोशिश इन चीज़ों की आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात, कभी भी इस चीज़ का कोई नेगेटिव वे में मत उपयोग करिएगा, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इनको पॉजिटिव वे में, माइंड सेटअप पॉजिटिव रखें और इसका अध्ययन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में ये जानकारी आपको कैसी लगी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कमेंट्स में कैसा लगा। जय श्री महाकाल लिखें, जय श्री राम लिखें, जय श्री हनुमान लिखें, जो आपके वो लिखें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री महाकाल।